चुनाव आ रहा है, अपने पार्टी अपने घोषणा पत्र जारी करें और जितने 10 साल सरकार चली उनके कार्यों की समीक्षा होगी। लगातार देख रहे हैं IIT में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कई तरह के केसेस आ गए हैं, यूनिवर्सिटी में दमन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नौकरियां खत्म कर की जा रही है, मणिपुर का हाल देख लीजिए। जो BJP को हराएगा उसको समर्थन, अगर बहन जी हराएंगी तो बहन जी के लिए अपने पैसा से जाके प्रचार करेंगे। और एक तो और हमारा एजेंडा है, 2 कंपनी जो है ना उसका राष्ट्रीयकरण करो। कौन कौन सी? अडानी अंबानी का बहुत माल लूट लिया है देश का, तो अंग्रेजी में सरकारी काम क्यों हो रहा है? अब संस्कृत में करो ना, संस्कृत बोलो, सबसे आपकी सभ्यता का प्रतीक तो संस्कृत है। हमको कहीं जाके शाखा में दंडवत करते देखे हो? 10 साल से सरकार है, मैंने कोई सरकारी लाभ लिया? मेरे साथ अभी हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल जी हैं। सर, आज की जो पूरी बैठक थी, मीटिंग थी, क्या फैसला लिया गया? चर्चा बहुत सारे मुद्दों पर हुई है और मिला जुला के जो फैसला है कि BJP की जो नीतियां हैं वो यहां के जो बहुसंख्यक लोग हैं SC ST OBC माइनॉरिटी, उसके खिलाफ। तो चुनाव आ रहा है, अपने पार्टी अपने घोषणा पत्र जारी करें और जितने 10 साल सरकार चली उनके कार्यों की समीक्षा होगी। इस सरकार में हम लोग का दमन बढ़ा है बहुत ज़्यादा, लगातार देख रहे हैं IIT में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कई तरह के केसेस आ गए हैं, यूनिवर्सिटी में दमन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नौकरियां खत्म कर की जा रही है, मणिपुर का हाल देख लीजिए। तो मणिपुर पर चर्चा नहीं हो रही है ढंग से, सरकार पीछे हट रही है, तमाम कहीं सारी संवैधानिक संस्थाएं ध्वस्त कर दी गई हैं। तो देश आपके मुझे सुनना चाहता है कि NDA वर्सेस हु, इंडिया है या कोई तीसरा ऑप्शन हो? कोई तीसरा ऑप्शन अभी नहीं है। खुले हम आप इंडिया को समर्थन दे रहे हैं? एकदम जो BJP को हराएगा उसको समर्थन। मायावती अलग चल रही हैं? जो BJP को हराएगा उसको समर्थन, अगर बहन जी हराएंगी तो बहन जी के लिए अपने पैसा से जाके प्रचार करेंगे। अगर बहन जी हराएंगी तो अपने पैसा से ले चल के हम प्रचार करेंगे। तो क्या लगता है कि जो अगर इंडिया की सरकार मान लीजिए बनती है 24 में, तो जो तमाम मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लगातार आप लोग उठा रहे हैं, सड़क से लेकर के हर जगह तक जहां तक पहुंच है, तो क्या उन मुद्दों पर कोई एक्शन लिया जाएगा, कोई कार्रवाई की जाएगी, उसको सॉल्व किया जाएगा? आने दीजिए, जिसका समाज जागृत रहता है ना वो हक छीन लेता है, और इस सरकार से, इसी सरकार में 2 लड़ाई इनसे हम जीत चुके हैं, रोस्टर का आंदोलन और ST Act वाला। तो पहले मैनिफेस्टो तो जारी करो, ये तो समाज के इंटेलेक्चुअल्स एक्टिविस्ट का काम है कि सरकार पे कितना प्रेशर बिल्डअप करता है। तो ये हम लागू करवा लेंगे। और एक तो और हमारा एजेंडा है, 2 कंपनी जो है ना उसका राष्ट्रीयकरण करो। कौन कौन सी? अडानी अंबानी का बहुत माल लूट लिया है देश का, जनता का पैसा सब लूट, 2 कंपनी का, बाकी छोड़ो, सिर्फ 2 कंपनी का राष्ट्रीयकरण करो, अगला मीटिंग में उठाएंगे। इंडिया तो गुलामी का प्रतीक बताया जा रहा है इंडिया को, और कहा जा रहा है कि इंडिया का संबंध जो है इंडियन मुजाहिदीन से है। तो शाइनिंग इंडिया कौन लाया था? अटल जी से जाके पूछ लें, शाइनिंग इंडिया कौन लाया था? मेक इन इंडिया कौन लाया है? जब आपके पास, हमारे इधर, मैं बिहार का रहने वाला हूँ ना, तो कहते हैं कि जब आर्गुमेंट नहीं होता है ना, थेथराई करते हैं। तो हिंदुस्तान भी तो कोई नाम नहीं, इंडिया तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत। वे कह रहे भारत बोले, इंडिया नहीं। क्यों इंडिया क्यों नहीं बोले? तो मोदी जी हवाई जहाज में क्यों चलते हैं? उनको पुष्पक विमान पे चढ़ना चाहिए। अरे एक चीज, एक एक जो है ये सुई बनाया है, लोग सुई बनाया है, तो अंग्रेजी में सरकारी काम क्यों हो रहा है? आप संस्कृत में करो ना, संस्कृत बोलो, सबसे आपकी सभ्यता का प्रतीक तो संस्कृत है, ब्रह्मानिकल सभ्यता का सिस्टम का, तो संस्कृत में काम करवाओ ना। ये थेथराई इसको बोलते हैं, आप उससे लग रहा है कि आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, आप फेल हो चुके हैं, इसलिए आप थेथराई पे उतर गए। कल नरेंद्र मोदी दिल्ली के प्रगति मैदान में थे, वहाँ पर उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा पर ज़्यादा जोर दिया जाए, अपने भाषा को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम लोग पहुँचाने की कोशिश करें। आज के तमाम अखबारों में हेडलाइन बनी हुई है, पहली दूसरी खबर है। हिंदी जो उनका विभाग है, राजभाषा विभाग, उसका बजट कितना है उनसे पूछिएगा। मैंने PhD की है राष्ट्रवादी इतिहासकार पे, RSS के बनने के पहले बड़े इतिहासकार थे काशी प्रसाद जायसवाल, उनके हिंदी राइटिंग से कलेक्शन मैंने 3 वॉल्यूम छापा है। अंग्रेजी में छापा है काशी प्रसाद जायसवाल द नेशनलिस्ट हिस्टोरियन। प्रधानमंत्री जी के घर में है वो किताब? भाजपा वाला किसी के घर में है? जबकि वहीं से ऑक्सीजन लेता है।
हिंदू पॉलिटी उनकी किताब है काशी प्रसाद जायसवाल की, संसद में स्मृति ईरानी राकेश सिन्हा सब लोग किताब का जिक्र करते हैं, किताब देखा है क्या काम हुआ है। मेरी आर्टिकल काशी प्रसाद जायसवाल भारतीय साहित्य के निर्माता सीरीज, मेरा लेख साहित्य अकेडमी ने छापा। गाल मत बजाइए, कोई दलित बैकवर्ड कोई सी साहित्य अकेडमी कोई अकेडमी कहीं है, अध्यक्ष है उसका, कितने ओरिजिनल काम आप कर रहे हैं। हम लोग जो आपकी नीतियों से नहीं सहमत है तब भी हम लोग उसमें ज़्यादा इंटेंस काम कर रहे हैं, ताल ठोक के बोल रहे हैं ना। ये काशी प्रसाद जायसवाल का जाके पढ़िए ना, हिंदी 3 वॉल्यूम में हमने छापा है, सस्ता साहित्य मंडल से 400-500 रुपये में छपवाया है कि लोग पढ़ें उसको, कि हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या कर रहे हैं, हिंदू ज्योग्राफी के बारे में क्या कर रहे हैं, कुछ आइडिया है। तो ये लोग मौखिक परंपरा वाले लोग हैं, कथा कहानी सुनाएंगे, कथा कहानी, ओरिजिनल रिसर्च इनके पास है ही नहीं कुछ। एक हिस्ट्री का ओरिजिनल किताब लिखा हो बता दे, एक हो सकता है 5 जन्य जो इनका मुख पत्रिका है उसमें सब कुछ आता है। कथा कहानी इतिहास नहीं होता है, कथा कहानी जो है इतिहास नहीं है, कथा कहानी में से हम लोग इतिहास निकालते हैं, कथा कहानी को इतिहास नहीं मानते, कथा कहानी में से निकालते हैं। तो इनके पास कुछ है नहीं, खाली जार्गन समझते हैं ना, शब्द आडम्बर, खाली बड़े बड़े भाषण, गोली पानी देना। एक कमीशन मैं चुनौती देता हूँ पूरे सरकार को, बीजेपी सरकार को, कहते ना मुझे नीच कह दिया, नीच जाति का हूँ, एक कमीशन बनाया हो जिससे कि ओबीसी का उद्धार हो जाए, सिर्फ ओबीसी कह रहा हूँ मैं, सिर्फ ओबीसी का उद्धार, एक कमीशन बनाया हो 10 साल में, एक ऐसा देखिए 27 मंत्री बना दे, मंत्री से मेरा क्या लेना देना है, मंत्री बना दिया, मंत्री के पीछे जो है ना कमांडर बैठा दिया कि इसको कोई काम मत करने देना। हिंदू राष्ट्र का एजेंडा बनाने के लिए दलित पिछड़ा को भी ले आया हो, ब्राह्मण राष्ट्र ब्रह्म राष्ट्र बनाने का, एक कमीशन बनाया हो, ओबीसी कितनी नौकरियां मिली है ये बताया हो, आंकड़ा पेश करें ना, मेरे पास तो मोबाइल में आंकड़ा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने ओबीसी के प्रोफेसर हैं, कितने वाइस चांसलर हैं, आपने रिकॉर्ड किया होगा, तो मैंने तो वहाँ बताया है आंकड़ा। सरकारी नौकरियों में कितने हैं, जो भी सरकारी नौकरी थोड़ा बहुत बचा हुआ उसको प्राइवेटाइजेशन पे तुले हुए हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि वे लोग सत्ता में जो है हिस्सेदारी दे रहे हैं, आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, वहाँ का जो बीजेपी के यूपी के चीफ हैं वे भी ओबीसी हैं। अजीब हाल है, तुम एक दलित प्रधानमंत्री बनवा दो और उससे एंटी दलित काम करवाओ, अब बोलो कि दलित प्रधानमंत्री है, तो दलित प्रधानमंत्री का आचार करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, दलित समाज का भला हुआ कि नहीं, पिछड़ा समाज का भला हुआ कि नहीं, ये हमारे एजेंडा पर है। एक अंतरिम मंत्री बन जाने से कुछ नहीं होता है, तुम दुश्मन का एजेंडा कह रहे हो, मैं करूँगी पिछड़ी जाति का है? तो ये सब हम लोग नहीं मानते, सब खेला, इसको हम जनेऊ लीला बोलते हैं, समझे, मेरे पास एक टर्म है जनेऊ। नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, प्रधानमंत्री देश के हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के हाथ में बागडोर नहीं है, नहीं है। नरेंद्र मोदी किसी और के कहने पे चलते हैं, आप यही कह रहे हैं। हाँ हाँ भाई, मैं आज विचारधारा की बात की, वो ईमानदारी से अपनी विचारधारा पर ही लोग काम कर रहा है, जैसे उनकी दिलचस्पी भारत के संविधान में नहीं थी, ठीक है, अम्बेडकर का पुतला फूकने वाला कौन लोग था, अम्बेडकर के खिलाफत करने वाला कौन लोग था, जो कल्याण पत्रिका निकलती थी गोरखपुर से गीता प्रेस से, हीन वर्ण अम्बेडकर, हिंदू कोड बिल का विरोध करने वाला कौन पत्रिका था, कौन लोग थे, ईमानदारी से लोग मनुस्मृति पर काम कर रहा है, इसको संविधान से कोई लेना देना नहीं, समझ गए मेरी बात। तो इसलिए इस सरकार को हराना बहुत जरूरी है हमारे, तो संविधान को खत्म करने की, अगर क्या लगता है आपको, अगर 24 में बीजेपी एनडीए आ जाती है तो संविधान बचेगा? अरे संविधान अभी देख रहे हो कैसे काम चल रहा है, नहीं दिख रहा है कोई, यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी काम कर रही है, कोई मंत्रालय काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन ठीक से काम कर रहा है, कौन सा इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है, ये तो ऑलरेडी आपको डिफॉल्ट कर दिया है, आपको किताब पकड़ा दिया है, किताब पकड़ो, किताब पकड़ लिया बोले किताब खोलना मत, पन्ना हमारा है, तो ये तो आएगा तो और नेस्तनाबूत कर देगा पूरा देश को, भारत बर्बाद कर देगा। एक सवाल अगर मैं सोशल मीडिया से लूँ तो तमाम लोग कहते हैं कि प्रोफेसर रतन लाल आजकल जो है कि आरएसएस के लिए काम करते हैं, तमाम लोग लिखते रहते हैं, क्या है उसका जवाब? नहीं कोई जवाब नहीं, जिसको जो समझना है समझो, एक आदमी को समझाने चलेंगे ना तो मेरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। इस सरकार में मेरी गिरफ्तारी दे रहा हूँ, इस सरकार में गिरफ्तारी दे रहा हूँ, इस सरकार में जो है मेरा प्रमोशन रोका जाता है, लंदन जाने से सरकार रोकती है मुझे लेक्चर देने के लिए, और मैं आरएसएस का आदमी हो गया है? कौन यूनिवर्सिटी में पढ़ के आता हूँ, कौन सोशल मीडिया ये सब लिखने वाला, चवन्नी छाप कमेंट करने वाला, मैं उसको चवन्नी छाप ही कहता हूँ। कैसे
हमको कहीं जाके शाखा में दंडवत करते देखे हो? 10 साल से सरकार है, मैंने कोई सरकारी लाभ लिया? कुर्बानी दी है, लगातार कुर्बानी दिया हमने। बिल्कुल, सबने देखा, मैंने देखा, पूरे देश ने देखा कि आपकी कैसे गिरफ्तारी हुई थी। जो लोग कह रहे हैं खुद ही आरएसएस के एजेंट हैं, खुद ही आरएसएस के लोगों, देश ने देखा था कैसे गिरफ्तारी आपकी हुई थी और सब कुछ कैसे हुआ। और हैं इतने धमकियां मिल रही हैं, कह रहे हो हमारे देश पागल लोग हैं, ऐसे लोग का क्या जवाब दें? दुआ जी, आज का जो पूरा प्रोग्राम था, क्या कहेंगे इसको लेकर के? बहुजन समाज तो सो रहा है, जागने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, आपके चैनल से मैं ये कहूंगा कि बहुजन समाज जागा हुआ है, उसे संगठित नहीं है, वो टुकड़े टुकड़े जो गैंग कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं दूसरे लोग। और जो आपने अभी अभी हमारे कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय वो ओबीसी हैं, तो वो ओबीसी नहीं है, वो ब्राह्मणवाद के वो ठेकेदार हो गए हैं, वो चौकीदार हैं, वो हमारे जो है सर्वेंट हैं। और हमारे भारत के प्रथम नागरिक जो आदिवासी है, उसका जो है ब्राह्मणवाद से जो है तिरुपति से पंडा को बुला करके उनका शुद्धिकरण कर करके आपने जो है राष्ट्रपति भवन में भेजा। और जब आपने आदिवासी कहा, जी मैंने आदिवासी का हक दिया, ओबीसी का हक दे रहा हूँ, तो ये जो कार्यक्रम आज है वो ये है कि हम 85% लोग का 85% हिस्सा चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी हैं या नहीं है? हाँ या ना? नरेंद्र जी ओबीसी हैं, लेकिन ऊपर से शेर का जो है ना चमड़े का वो लबादा पहन करके कह रहे हैं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तो ब्राह्मणों के काम करूँगा, मैं तो पंडित मंदिर में जूता पहन के भी जा सकता हूँ, गर्भगृह में जा सकता हूँ, राष्ट्रपति जूता पहन के नहीं जा सकता। अभी हमने देखा, एक व्यक्ति ने आप पर विरोध भी किया और उन्होंने कहा कि आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो तमाम लोग जानना चाहते हैं किस कैटेगरी से आप आते हैं? मैं ओबीसी से आता हूँ, दुआ जो है पंजाबी, मैं मुस्लिम पंजाबी मुस्लिम हूँ, मेरी वाइफ का नाम डॉक्टर नीलूफर है, मेरी बेटी सुप्रीम कोर्ट में है, और मैं 36 साल से ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट किया है। जो इस तरह की बातें करते हैं, जो लड़ाना चाहते हैं, और अगर मैं मान लीजिए जनरल में हूँ, मैं नहीं लेता किसी तरह का आरक्षण, क्यों लूँ? मेरे पास 85% का हिस्सा है, तुम लो ना आरक्षण, तुम 3% हो, तुम अगर गरीब हो तो तुम आरक्षण लो, मुझे आरक्षण की जरूरत नहीं है, मैं शूद्र हूँ तो शूद्र हूँ, मेरा 85%। और आपने सरकारी 27% दे दिया किसको? ओबीसी को। ओबीसी को आपने क्लीम लेयर से आपने 4.1% का ही हिस्सा दिया, बाकी कहाँ गया शेयर में? बाकी सब आप खा गए, तो आप सारा हिस्सा खा जाओ, 50% खा जाओ, 70% खा जाओ, और हमें कहो कि हमारा आरक्षण दे रहे। लेकिन आएगा मोदी ही? मोदी किस आधार पे आएगा? मैं आपके चैनल से पूछता हूँ कि 20 से 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी जो है ब्राह्मणवाद को लेकर चल रही है, जिस तरह से यूपी में मायावती कभी जो है दलितों के ऊपर सरकार बनाई थी, 4 बार हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर बनाया था, लेकिन आज वो कहाँ है? क्योंकि उसने ब्राह्मणवाद पे गई और जो है दलितों से पीछे हट गए, टूट गया, और उसी को तोड़ करके जो फायदा उठाना चाह रहे हैं कि हम जो है कांग्रेस की तरफ जाएंगे, इंडिया की तरफ जाएंगे, लेकिन वहाँ भी ब्राह्मणवाद चल रहा है और 85% का हिस्सा की बात हो रही है। इसलिए मैंने कहा कि एनडीए अगर 85% का हिस्सा दे दें, अगर हमारे ओबीसी एससी एसटी को 85% दे दें, हम इंडिया की बाबा कर देंगे, जय हो कर देंगे मोदी का। और इंडिया अगर 85% का हिस्सा देता है तो हम इंडिया को करेंगे, और अगर हिस्सा ये नहीं मिलता तो जो आपने कहा कि तीसरा घटक, तो हम वो तीसरा घटक भी बनाएंगे। और जो हमारे ओबीसी हैं, जो हमारे एससी एसटी के लोग हैं, जो हमारे 70% 80-85% हैं, वो अगर एक तरफ हो गए, एक गुट हो गया, तो ये सब के सब जो आपने क्या बनाया, आपने इंडिया की बात कर रहे हो, सुनिए सर सुनिए मेरी बात, खत्म हो जाएगा, सवाल सुन लीजिए। देखिए, एनडीए के खिलाफ इंडिया बनाया गया है, लेकिन जो आपकी तमाम मांगे हैं 85% वालों की, 85% to 90% की जो मांगे हैं, क्या कोई डेडलाइन तय किया गया है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सवाल सुनिए, कोई डेडलाइन तय किया गया है कि तब तक इंडिया वाले सामने आ जाए या एनडीए वाले सामने आ जाए, वरना तीसरा दल बना लिया जाएगा, तीसरा घटक बना लिया जाएगा? बिल्कुल सही कहा, और इसी बात पे मायावती ने भी कहा कि मेरे बिना सरकार नहीं बनेगी। अगर एनडीए ने 250-240 ले आए, हालांकि आएगा नहीं, 200 से नीचे रहेंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि जो हिंदू राज बेवकूफ़ बना करके, दलित शोषित को तोड़ कर करके
जो है ले लें तो 240 से ऊपर नहीं। अब रह गया इंडिया, अब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया भी 26 लोग हैं, उसके अंदर भी आरएसएस के लोग घुसे हुए हैं, वो भी टूटने की कगार पे है। हो सकता है कि इंडिया आज ना रहे। मैंने कल कहा इनको कि आपको इंडिया से अच्छा था कि इंडियन कर देते, तब कम से कम उसका हिंदी होता भारतीय और तब हम लोग काम करते, लेकिन आपने इंडियन नहीं करके इंडिया किया, तो आपने साइनिंग इंडिया की बात करो, इधर जो है इंडिया ईस्ट इंडिया की बात करो, तो फिर भारत कौन बात करेगा? तो भारत की लड़ाई कौन लड़ेगा? हमारे रामेश्वर ठाकुर बिहार के, हमारे साथी ये सब लड़ेंगे। और अगर हमने 20-25 सीट भी ले आए, 20-25 सीट भी ले आए, तो 20-25 सीट की सरकार बनेगी और 240 की सरकार धरी की धरी रह जाएगी। अब लड़ाई जो है इंडिया वर्सेस भारत बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो इंडिया के लोग हैं वे लोग कह रहे हैं कि इंडिया मजबूत है और नरेंद्र मोदी को वे लोग घेरने का काम कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं किसकी सरकार बनेगी 2024 में? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करे।